अगर कोई आपको बेवजह नज़रअंदाज कर रहा है तो करिए तुरंत ये काम। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें लोग बेवजह ही नज़रअंदाज करने लगते हैं। हमारे साथ हमें पसंद करने वाला इंसान भी कई बार बेवजह नज़रअंदाज करता है, तो कैसे समझे और क्या करें? सबसे पहला है, आप भी उनको इग्नोर करना शुरू करें। हम क्या करते हैं, जब कोई नज़रअंदाज करता है तो हम उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं कि क्या हुआ, क्या है, वो है। आपको भी इग्नोर करना शुरू करना है। इग्नोर करेंगे तो क्या होगा, इग्नोर करेंगे तो उनका एहसास होगा कि बेवजह हम इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वरना दिक्कतें बढ़ेगी। ये बेवजह है तो ही करिएगा। अगर आपको पता है आपकी गलती है और इग्नोर कर रहे हैं तो वो अलग बात है। यहाँ पर बेवजह नज़रअंदाज करने की बात है, तो आपको सबसे पहले तो इग्नोर करना है। अगला है, आपको दिखाना है कि आप खुश है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। आपको दिखाना है आप खुश है, आप अपनी ज़िंदगी से कुछ चाहते हैं, आपके कुछ गोल्स हैं, आप ज़िंदगी में मेहनत कर रहे हैं, पल पल आगे बढ़ रहे हैं, अपने परिवार के लिए, अपने लिए कुछ कर रहे हैं। आप जब भी अपने दिमाग और अपने शरीर पे काम करते हैं, जैसे कि जिम जाना या योगा और मेडिटेशन करना, ये सब करते हैं, तो अपने आप ही आप अंदर से सुलझे हुए इंसान बनते हैं। अंदर से वो निखार आने लगता है और वही निखार आपकी खुशी का कारण बनता है, हैप्पीनेस दिखने लगती है। और यही हैप्पीनेस आपको जानबूझ के ज़्यादा दिखानी है जो आपको बेवजह नज़रअंदाज कराए उनको। क्योंकि जब भी कोई आपको इग्नोर करे और आपको उनको खुशी दिखाते हैं आपकी, तो वो अंदर ही अंदर अफसोस करने लगते हैं, जलने लगते हैं। तो आपको खुश होकर उनको ये जलाना है। तीसरा है, आपको और ज़्यादा एट्रैक्टिव बनना है। यानी कि आप पहले कुछ चुनिंदा कपड़े ही पहनते थे, तो कुछ और स्टाइल के कपड़े पहनने, कुछ फैशन करने, ज़्यादा एट्रैक्टिव बनना है, लोग आपकी ओर आए, ऐसा कुछ करना है जिसकी वजह से जो बेवजह नज़रअंदाज कर रहे हो सकता है वो आपके और करीब आए। ये चीज़ें यहाँ पे सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, कल से ऐसा कर लेंगे, लेकिन आप जब करने जाएंगे तब आपको लगेगा कि जो रोज़ पहन रहे वो अच्छा ही है, इसमें क्या कुछ नया करना। तो नया करने के लिए भी ज़्यादा आपको अंदर से कॉन्फिडेंस चाहिए होगा, तो वो कॉन्फिडेंस रखना है और कुछ एट्रैक्टिव बनना है। तो ये सब चीज़ें करेंगे तो जो बेवजह नज़रअंदाज कर रहे हैं उनको एक अच्छा सबक भी मिलेगा, और हो सकता है वो वापस आपसे जुड़ने की कोशिश करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इसमें से कोई टिप का इस्तेमाल करते हैं या नहीं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड, वीडियो को देख रहे हैं सारे GFBF राजा मजूम लैला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी सवाल या सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।